हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये सोमवार का वीडियो बहुत लेट जा रहा है आप लोग के पास। तो आद्या को लेकर ना मैं पहली बार पार्टी में गई थी। ये हम लोग का गांव का ही एक रिसेप्शन पार्टी था। तो पिंकी के साथ हम लोग बात किए कि नहीं चलो, जब हम लोग चल जाएंगे वापस तो फिर मिल नहीं पाएंगे, और तो आज लास्ट टाइम मिल लेते हैं, इसीलिए यही डिसाइड करके हम लोग आ गए थे पार्टी में। और इतना ज़्यादा भीड़ था ना, मुझे लग रहा था आद्या रहेगी नहीं रहेगी, कैसे संभालूंगी, ले तो आई हूँ, पर कहने का वो रह गई, क्योंकि वो जिनके घर में पार्टी था ना, वो चाची क्या की बोली, नहीं बहू तुम एक काम करो, आके ये वाला रूम में तुम बैठो बच्ची को लेकर, ताकि उसको फीड कराने में सुविधा हो। तो वही हुआ, हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर घूमे, फिर चले गए उनके घर के अंदर ही। पिंकी, हम और आद्या, हम तीनों ही बैठे हुए थे, और मून और नंदनी ने बहुत ज़्यादा डांस किया। और वो लोग का बहुत बड़ा एरिया था, फिर भी गाँव का थोड़ा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, मतलब जैसे बुलाओगे वैसे वो बात नहीं है। तो वो लोग बहुत लोगों को बुलाए थे, जिस वजह से भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, देख सकते हैं आप लोग। और बच्चे डांस कर रहे थे, तो मून और नंदनी वो लोग डांस करके बहुत एंजॉय किए, हम लोग बस देख रहे थे। और ऐसा हो रहा था ना, गाना इतना तेज बज रहा था कि अपने आप ही पांव थिरकने लगा। तो यहाँ पर इतना लाउड म्यूजिक था, तो फिर हम लोग सोचे कि नहीं, आद्या को लेकर ज़्यादा देर तक खड़ा होना भी उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, तो हम लोग यहाँ से चले गए। यहाँ पर स्टार्टर वगैरह कुछ था, और डिनर जहाँ हो रहा था ना, वहाँ भी दो सेक्शन में बंटा हुआ था, मतलब बैठने का जगह दो था, फिर भी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। हम लोग खाते खाते बहुत रात हो गई, और घर जाते जाते ना लगभग 12 बज गए, 11:30 तो बज ही चुका था। तो देखिए यहाँ पर डांस कर रहे हैं दोनों, और ठंडा भी लग रहा था, और यहाँ पर वो लोग का डेकोरेशन में जो वाटर ये किए हैं उस वजह से भी ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो देखिए बच्चे बहुत डांस किए, हम लोग यहाँ से चले गए कुछ टाइम देखने के बाद, और अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिनों बाद मैं कहीं पार्टी में गई, क्योंकि ऐसे में तो जा नहीं पाती हूँ। और पहले जब यहाँ रहती थी ना, तो फिर हम लोग हर साल कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते थे साथ में, जैसे दिसंबर लास्ट में हम लोग पिकनिक जाते थे, मतलब लाइफ एक अलग तरह का था, एकदम अच्छा लगता था। पर आजकल जब से वहाँ गई हूँ ना, तो मन नहीं करता है अकेले अकेले, अकेला लाइफ भी लाइफ थोड़ी होता है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ आप लोग को, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है अकेला लाइफ। तो अभी हम लोग का डिनर का वक्त हो गया है, तो उसके पापा उसको ले रखे हैं गोदी में, क्योंकि बाहर ओस गिर रहा था ना, तो ये आ गए हैं यहाँ पर टेंट जगह। और गाँव में थोड़ा बैठने का व्यवस्था ही, सब कोई खुश होते हैं, तो यहाँ भी वही हुआ है बैठने का व्यवस्था, वो फिर नहीं हुआ था, तो हम लोग बैठ के खाए आराम से। और मंडे था, तो फिर नॉनवेज नहीं खाए, पनीर वगैरह देख के खा के आए। और बच्चे यहाँ भी डांस कर रहे हैं, अभी हम लोग घर रिटर्न जाएंगे। और अभी रात का 12 बज रहा है, हम लोग तो पार्टी से आ गए हैं, पर पापा नहीं पहुंचे हैं ना, पापा नहीं पहुंचे हैं ना, पापा आएंगे, अभी पापा आएंगे, तब तक आद्या को हम संभाल लें। और वो देखिए मतलब नया कपड़ा फिर से पहन लिए, अभी नहीं जाना है, पर हम लोग को सुबह फिर जाना है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत पहले ही वीडियो शुरू हो गया है, पर मैं आप लोग से डायरेक्टली अभी मिल रही हूँ। तो अभी रात का 12 बज रहा है, और अभी इसलिए वीडियो शुरू कर रही हूँ, आप लोग को अपडेट देना है। बहुत दिन से घर पर हूँ, पर कुछ भी वीडियो नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ का जिम्मेदारी अलग हो जाता है, मायके की जिम्मेदारी अलग हो जाता है। वहाँ पर आप फ्री ही फ्री हो, पर यहाँ पर सुबह फिर जल्दी उठकर तैयार होना है और निकलना है। आद्या तो अभी जग रही है, मुझे पैकिंग कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब अपना घर है पड़ा हुआ है सारा सामान इधर उधर, तो फिर तैयारी तो कुछ हुआ नहीं, मतलब जाने का मन भी नहीं है, पर क्या करें, बड़ी बेटी का एग्जाम है 9 तारीख से, तो इसलिए निकलना है। और आज हो गया आपका कितने तारीख, 5 तारीख का रात, मतलब कल सुबह होते होते 6 तारीख हो जाएगा, और 2-3 दिन उसको टाइम मिलेगा, और जो कुछ भी वो तैयारी तो इतना हो नहीं पाया है उसका एग्जाम का। तो चलिए सुबह बात करेंगे, और ये वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, बस आप लोग को बताना था। सुबह फिर जब तैयार होंगे निकलेंगे, तो आप लोग साथ में बने रहिएगा। और घर का हालत, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्या हुआ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को बताई थी कि आज हम लोग रिटर्न जाएंगे, तो अभी तैयार हो चुके हैं नहाए धोने पर, हाँ जितना जल्दी बोले थे ना निकल नहीं पाए, तो अभी 8 पार कर चुके हैं, और अभी हम लोग निकल लेंगे 10-15 मिनट में, बस सब कुछ गाड़ी में जा चुका है, मतलब बैग वगैरह। और आद्या अभी अभी सोई है, तो उसको पहना दी थी कल रात, पर उसको मुझे चेंज करना पड़ा, कुछ रीज़न था, तो वो सबको मैंने उसका चेंज करा लिया है। और मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, ये बोलने कुछ नहीं खाएंगे, और आराध्या भी कुछ नहीं खाएगी, तो वो लोग ये खाएंगे चाय बिस्किट, वो चोकोज वगैरह कुछ सूखा सूखा 2-4 खा ली, हो गया उसका। तो बस अभी निकलेंगे और घर से जा रहे हैं, तो अभी फिर अकेला लाइफ हो जाएगा, क्या करेंगे, यही ज़िंदगी बचा है, मतलब एकदम भी मन नहीं कर रहा है जाने का, पर मजबूरी है, आप लोगों को बताई थी ना उसका एग्ज़ाम है, तो मैं थोड़ा मिल के आती हूँ हम लोग के मोहल्ले में जो कोई भी हैं चाची लोग, सबसे मिल के आती हूँ। पूरा पूरी 100% हम आ रहे हैं, हम समर्पित हैं, हम कुछ दिन में हर सैटरडे तेरा आना जाना नहीं, नहीं, नहीं। जशस्वी भाव कर दो, जाओ बसो बसो बसो।
रे असले रे असले रे मैडम। हाँ जा खाओ रोखी नहीं था वो रोखी रोखी नहीं लता लता मत छुटकी को एक लो आ गया दीदी कांदो नहीं आता तो आज जी बोल पुदीन ने। हाँ बाय 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 बेटा बाय दीदी हर हर महादेव हर हर महादेव। अभी हम लोग का रियल जर्नी स्टार्ट होता है। सारा मजा मस्ती खत्म। अब हम लोग बेक कर रहे हैं ड्यूटी जोन है ना। अभी हम लोग उतर पहुंच चुके हैं चायवासा और यहाँ पर ये लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और मैं घर से ही साबु खा के आई थी, मुझे नहीं खाना है बस। बाकी सबको इधर यहाँ से इसका टोपी निकाल देते हैं। टोपी निकालो ना, मुंडी में नहीं रख देते हैं इसको। अभी काफी लंबा जर्नी तय करना है हम लोग को। ये कॉलेज रोड है जो कि मेरा कॉलेज भी इधर से ही जाती है जी। मैं भी इसी भी यहाँ है। हाँ इनका भी एक ऑफिस यहाँ है, इधर भी आते हैं वो। आते हैं नहीं तो भरमार आते हैं। हाँ भरमार आते तो एक नहीं दिखे कू हीट दोनों कू कू हीट हाँ बल यही पानी मेरा गाड़ी में हाँ आलू चॉप दे दो वहाँ एक तो यहाँ एक तो जो को आलू चॉप का हाँ बीच रास्ता में ही हम लोग को रोकना पड़ा गाड़ी क्योंकि आदिया बिल्कुल रहना नहीं चाह रही, इरिटेट हो रही है गाड़ी में रह रहे के और सो भी नहीं रही है। नहीं हो रही है, मुस्कुरा रही है। हाँ अभी बाहर निकल के खुश हो गई। एक्चुअली उसको ना गोदी करके आप चिपका के रखो तो वो पसंद नहीं करती है, तो हम लोग को रोकना पड़ा। ये बोले छाँव देख के थोड़ा सा रुकते हैं और यहीं पर उसको थोड़ा घुमाएंगे फिर निकलेंगे हम लोग। इस रूट से आते जाते टाइम हमेशा जहाँ खाते हैं मतलब लंच करते हैं वहीं आके आज भी पहुँच गए हैं। फर्क बस इतना है कि हमेशा हमेशा अकेले रहते हैं हम तीनों, पर आज आदिया हम लोग के साथ है पहली बार, तो उसको लेके ट्रैवल करना ना हम लोग के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि वो बिल्कुल रहना नहीं चाह रही है, ना ही सो रही है ना कुछ। तो चलिए गुड्डू मुँह सूखी जाइ जी, मुँह देखे दे बाबा देखे दे देखे दे मुँह सूखी जाइ जी दोनों पहुंचो बाहर नी थोकी जाइ तो नीनी भी अच्छी नहीं जी हूँ देवी तो कहते मुँह छुके जो हाँ देखा 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 हूँ देखे देखे मुँह दोनों तक निदो अच्छी गाड़ी रे कष्ट होची। हम लोग का यहाँ पर है चिकन, यहाँ पर है पनीर क्योंकि आज ट्यूसडे है तो मेरा ऑब्वियसली ये है। नहीं मम्मी तो आप खाइएगा ही नहीं, आप तो बोला ना सिर्फ मैं सादा सादा खाऊंगी। तो ये मेरा सादा है, आलू भुंजिया है, दाल है, अचार है और ये क्या फ्राई है मसालेदार आलू बटर मसालेदार। तो चलिए शुरू किया जाए, करो शुरू करो। और इतना राइस तो तुम खाने नहीं सकोगे। हाँ और वो अभी इधर खड़े हैं, मेरा हो जाएगा फिर वो खाएंगे। सोना सोना अमर सोना सोना गुड्डू बाप रे आके पहुंचने के बाद घर का हालत बहुत ही खराब हो गया था और आते साथ ही मैं झाड़ू लगा ली पर पोछा नहीं लगाई और मेरे जो हाउस हेल्पर हैं उनको भी फ़ोन की थी पर वो अपना काम से निकल गई हैं, पहले ही मुझे कॉल कर लेना था। वो सब साफ़ सफाई हो गया अपना चेंज हो गया, बस आदिया को थोड़ा मालिश करूँगी क्योंकि वो रास्ता भर बहुत तकलीफ आई है, इसलिए उसको अगर मालिश कर देती हूँ ना थोड़ा सा आराम से सोएगी, हो सकता है वो टायर्ड हो गई है, उसका शरीर को मालिश करके आराम कर देते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा उसको मालिश वालिश कर देती हूँ और सब्जी दूध सब कुछ बोल के आए हैं, घर पहुँच जाएगा शाम तक ना।
देख सकते हैं अभी ये सब को मुझे सेट करने में ना हफ्ता भर लग जाएगा, क्योंकि मैं आके मतलब एक एक चीज़ ढूंढ ढूंढ के परेशान हुई तो सारा बैग को कैसे निकाल के इधर उधर की हूँ देखिए। और ये वाला बेडशीट मुझे लगाना नहीं था पर इसी को ही लगाना पड़ा क्योंकि आँख के सामने मुझे यही मिला और आदिया रो रही थी। और इसको मिल गया आते साथ ही चिल्ड्रंस डे का गिफ्ट उसकी पापा की ओर से जो वो ला के रखे थे। खोल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। मम्मी बोल रही है मुझे भी नहीं पता। एक्चुअली मुझे नहीं पता, मैं तो अपना गिफ्ट दे चुकी थी पर पापा की ओर से उसका क्या है देखते हैं। हर साल मुझे दोनों की तरफ से अगले साल मुझे डेनिम मिला था और अच्छा अच्छा चॉकलेट्स मिला था। मुझे लगता है कुछ बुक वगैरह हो सकता है। आपको पता है मतलब? नहीं 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 पता नहीं है मुझे, मैं टच की ना तो मुझे लगा वैसे। नहीं क्या है? कलर सेट। क्या करोगी इतना सारा कलर का सेट? कलर सेट। तो सब दीदी यहाँ पर अपने लिए मैगी बना रही है ये देखिए, और सब्जी देख के मैगी बना रही है, खुद से कटिंग वगैरह सब कुछ की। देखने आई है मेरी दीदी, क्या कर रही है दीदी? क्या कर रही है बेटा? मैगी दीदी, मैगी बना रही है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बोली थी ना मेरा धनतेरस का गिफ्ट मेरा वेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा गिफ्ट ये लाकर रखे थे। तो ये एक प्रेशर कुकर है जो अलग तरह का है, मतलब जैसे हम लोग का नॉर्मली प्रेशर कुकर है उससे अलग है ये। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा है, खोलकर मैं खुद भी नहीं देखी थी पर ये ला के रखे थे ये मुझे पता था। तो बहुत सारा सामान लाए हैं इस बार, मैं खुद रहने से भी शायद ये नहीं इतना कुछ नहीं लाती। और ये बहुत हेवी था उसका लिड, साथ में एक ग्लास का भी लिड दिया गया है। और ये देख सकते हैं मैं खोल कर देख रही हूँ और मैं इनको बोल रही हूँ काफ़ी हेवी है, इससे मैं बना नहीं पाऊँगी क्योंकि इसको यूज करना तो बहुत आसान हो जाएगा, फिर यूज करने के बाद क्लीन करके रखना ना मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा। ऐसा इतना भी हेवी नहीं पर सिस्टम थोड़ा इसका अलग है। ये दिखाती हूँ, ये देखिए लॉक कैसे होता है और ओपन कैसे होता है। और साथ में ना इसका भी सीटी वगैरह सब कुछ सेम है। तो खासकर ये लाए हैं बिरयानी के लिए क्योंकि हम लोग को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है आप लोग को पता है, और मैं प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ। और ये जो देख रहे हैं ये ग्लास का लिड एक्स्ट्रा दिया है। और साथ में दिखाती हूँ क्या क्या लाए हैं। ये हो गया हम लोग का एक प्रेशर कुकर, कितना लिया है मैं आप लोग को इनसे पूछ कर बताऊँगी, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कॉमेंट में पूछिएगा मतलब बताइएगा हमको। तो ये देखिए ये एक क्या कहते हैं उसको भगोना जिसमें दूध गर्म करते हैं। एक्चुअली इसको लाने का वजह बताती हूँ, मैं जब यहाँ पर नहीं थी ना एक दिन वो दूध लाकर गरम किए हैं और जला दिए हैं मेरा दूध वाला भगोना को, तो इसी वजह से ये ला दिए हैं, ये उससे अच्छा है। और साथ में एक पानी बोतल है बेटी के लिए लाए थे, उसी दिन सेम ही डे आया था। और आप लोग को साइड से ना आद्या का आवाज़ आ रहा होगा, जब भी आजकल मैं वॉइस ओवर करूँगी उसका भी आवाज़ आएगा आप लोगों को, वो भी बात करती है ना वॉइस ओवर करती है मेरे साथ। और मैं यहाँ पर इसीलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम जो है आद्या के लिए उसकी दीदी डांस करके दिखा रही थी और मोबाइल में गाना बज रहा था। और ये एक देखिए हॉट केस था, तो ये भी लाए हैं, ये कलर मुझे बहुत पसंद आया, इनको मैं बता रही थी मुझे कलर बहुत पसंद आया, आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो देखिए ये था, और एक लाए हैं स्टील का जग और एक क्या कहते हैं उसको चाय का सॉस पैन, तो अच्छा लग रहा है। ऐसे मेरे पास ऑलरेडी था जग पर वो क्यों लाए हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर बहुत सारा लाए हैं बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए, ये सब मुझे पता नहीं था कि लाए हैं। ये जो सॉस पैन है ना इसका एक अच्छा क्वालिटी मुझे लगा कि ये हैवी बॉटम का है, मेरा दूध वाला भगोना जैसे है ना वैसे ही है, ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है और मेरे साथ कंटिन्यू आद्या वॉइस ओवर किए जा रही है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और एक अच्छा ब्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।